नमस्कार। कक्षा 10 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4 है। एक्स माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। इन दो समीकरणों के लिए हमें यह पता करना है कि यह रैखिक युग्म संगत होगा या असंगत होगा। तो आइए देखते हैं। हमारे पास समीकरण है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। सबसे पहला जो काम है वो है a1 बटा a2 निकालो, b1 बटा b2 निकालो और c1 बटा c2 निकालो। तो a1 ध्यान से देखिए, यदि इसके साथ x के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, y के साथ भी कुछ नहीं है तो 1 है। इसे हमेशा याद रखना होता है। तो a1 बटा a2, x के साथ यहाँ है 1 तो ये हो गया 1, a2 हो गया x के साथ 3, b1 होगा y के साथ -1, b2 होगा y के साथ -3, c1 होगा 8, c2 होगा 16। आइए इसमें से जो कटता है उसे काट दें। 1/3 में कुछ नहीं आपस में कट सकता। b1 बटा b2 में ये माइनस से माइनस कट जाएगा तो b1 बटा b2 आ गया 1/3। c1 बटा c2 है 8/16, जो कि बराबर होगा 8 × 1 = 8 और 8 × 2 = 16, यानी कि 1/2 के। तो आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि a1 बटा a2 है 1/3, b1 बटा b2 भी है 1/3, लेकिन c1 बटा c2 है 1/2। इसका अर्थ ये है कि a1 बटा a2 यह b1 बटा b2 के तो बराबर होगा लेकिन यह c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो आइए हम अपने टेबल को फिर से याद करते हैं। ये टेबल देखो कितने काम आ रहा है, हर क्वेश्चन में हम इसका यूज कर रहे हैं, इसलिए आपने इसको इस टेबल को अपनी कॉपी में बना के रखना है। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ देखिए, हमारे पास था a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन ये c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। तो ये आखिरी वाली कंडीशन है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2, लेकिन यह c1 बटा c2 के बराबर नहीं है। इसका मतलब रेखाएं कैसी हैं? समांतर। समांतर रेखाएं हैं, कहीं नहीं मिलती तो कोई हल नहीं, और यदि कोई हल नहीं तो यह रैखिक युग्म कैसा है? असंगत। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ इसके साथ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, कोई हल नहीं, अतः यह रैखिक युग्म असंगत है। ठीक है बच्चों, अतः यह रैखिक युग्म असंगत है। अब प्रश्न ये था, प्रश्न था निम्न समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत हैं? यदि संगत हैं तो उनका ग्राफीय विधि से हल कीजिए, लेकिन ये तो असंगत आया तो इसका ग्राफीय विधि से हल होगा नहीं। ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो गया है। आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा। धन्यवाद।